बहुत से खतूत लिखे रखे थे इस बारे में, उनकी जानकारी इस बात को लाई, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उपाय है? आपने क्या लिखा है रेलवे के, और कितने ऐसे ब्रिज है मुंबई में जो चंद रोड की हालत जैसे है? मुंबई में इस तरह के बहुत ब्रिज हैं, जिस तरह आप देखने में आता है कुर्ला का, जहाँ भी हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन का जोड़ होता है वहाँ पे इस तरह के एक्सीडेंट होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, क्योंकि लोग हार्बर से सेंट्रल में जाते हैं, सेंट्रल से हार्बर में, उसी तरह वेस्टर्न से सेंट्रल में जाते हैं और सेंट्रल से वेस्टर्न में जाते हैं। तो ऐसे ब्रिज जैसे कुर्ला है, हार्बर लाइन का ज्वाइंट है, उस तरह से जैसे एल्फिंगटन और अपना परेल का ब्रिज था उसमें ज्वाइंट है। हम लोग ने लगातार कई दिनों तक कई खतूत लिखे, उसके बाद भी उनका जवाब आता है कि हमारे काम चालू है, हमने टेंडरिंग किया, ये खत आप देख सकते हैं। हमने भी डिमांड की है कि मुंबई कस, जिस तरह से मुंबई कस की जान जा रही है रेलवे हादसों में, साल में 3000 वैसे भी हादसे में एक्सीडेंट में जान जाती है, और ये सब जो हादसे अलग अलग तरीके से होते हैं उसमें जाने ज्यादा जाती है। तो हमारा यही डिमांड है कि सरकार इस हमारे मुंबई कस की जानों की हिफाजत करे, और हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग रेलवे के भाड़े देते हैं, हम लोग रेलवे के जितने भी बढ़ते किराए को कभी हम लोग अपोज नहीं करते, हम सारे किराए अदा करते हैं, फिर भी रेलवे में मुंबई कस की जाने जा रही है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या डिमांड है आपको? हमारी डिमांड है, जिन लोगों ने इसकी नजरअंदाज किया है हमारी डिमांडों के, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट 302 के तहत कार्रवाई हो, जुडिशियल इंक्वायरी और इस तरह की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उन्हें टाला ना जाए, मुंबई कस की जान की अहमियत को समझा जाए। क्या बोलना है आपका, जो जिस तरह के हादसे हो रहे हैं और हादसे को जो है वो रोकने में कहीं ना कहीं प्रशासन नाकाम होता है? 100% आज का जो हादसा हुआ है वो बिल्कुल प्रशासन की गलती और गफलत का नतीजा है। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ जो छोटे ऑफिसर्स हैं वो साइट पर जाकर विजिट नहीं करते। मुंबई में ऐसी 17 जगह हैं जहाँ पर सुबह और शाम ओवर क्राउड हो जाते हैं, औरतों को निकलना, भीड़ में से औरतों और बच्चों को निकलना मुश्किल होता है, लेकिन ये लोग कभी साइट पर जाकर विजिट नहीं करते हैं। छोटे ऑफिसर जो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स को बोलते हैं ऑल इज वेल, और जो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हैं वो सीनियर ऑफिसरान को बोलते हैं कि सर एवरीथिंग इज फाइन, और ये सीनियर ऑफिसर्स मंत्रालय को बोलते हैं कि सब ठीक ठाक चला है। और ये जब तक इस तरह का कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुलती। मुंबई जैसे मेट्रो शहर में ऐसा शहर जो इंटरनेशनल अहमियत का हामिल है, इस तरह का स्टैम्पेड होना रेलवे ब्रिज पर हमारे लिए नहायत ही शर्मनाक हादसा है। और मैं चाहता हूं कि जो भी मतलब इसमें साथी जो अफसरान है उस पर कार्रवाई हो, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, हमने शिकायत भी की रेलवे कमिश्नर से कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, जिनके गफलत के सबब ये हादसा हुआ है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर कत्ल का मुकदमा 302 के तहत दायर किया जाना चाहिए। जिन्होंने एवरी वेयर कंसर्न रेस किया है ये पूरे प्लेटफॉर्म पूरे ब्रिज को लेकर, ये एक ही ब्रिज नहीं है, कई ब्रिजेस है मुंबई में ऑन ईच लाइन सेंट्रल वेस्टर्न एंड हार्बर, स्टिल देयर इज नो कॉग्निजेंस दैट इज टेकन अकाउंटेबिलिटी टू सी इट। रेलवे की जिम्मेदारी अगर वो अपने यात्रियों के लिए अगर ब्रिज अवेलेबल नहीं कर सकते तो और क्या कर सकते हैं? जहाँ मोदी जी एक तरफ जो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं वो भी चलने की नहीं कह सकते, क्योंकि जो ब्रिज का हादसा हुआ है करीब 100 साल के आसपास पुराना है, और अभी हमने जो है पीयूष गोयल जी का इंटरव्यू सुना है तो उन्होंने कहा कि हम जो सेफ्टी जो हमारा ऑफिसर उसके थ्रू हम इंस्टीगेशन करेंगे, तो मतलब इंतजार ही करते रहते कि हादसा हो और ये जो इंस्टीगेशन उससे पहले डिस्कशन। एंग्री वॉइसेस आउट देयर कि व्हाई दे आर वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन, व्हाई एक्शन कम्स आउट। आप क्या कहेंगे सर, आपका जो है आपके ओर से इलेक्टेड जो पीयूष गोयल इनको लंदन दिखा गया है, जो ऑफिशियल्स है उनके अगेंस्ट स्टैंड अप, बिल्कुल एफ आई आर जो जिम्मेदार अफसरान है उनके अगेंस्ट होना चाहिए। मुंबई का बहुत अवेयर है और लगातार वो ट्वीट करता रहता है, सोशल मीडिया पे इस बात को उठाता रहता है, लेटर लिखता रहता है, हमने भी कई लेटर लिखे हैं, मगर सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि मुंबई में सिर्फ लोकल मुंबई में 3500 के लगभग लोग लोकल हादसे में आमतौर पर मारे जाते हैं, पर डे 10 का एवरेज है, उसके बाद भी 10 लोग मरते हैं, उसके बाद भी सरकारों की आंखें नहीं खुलती। और हादसे जिस तरह से कुर्ला में, कुर्ला का ब्रिज है 8 नंबर प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, मीरा रोड में इस तरह का हादसा होने का बहुत खतरा है, जहाँ पे हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन मिलती है कुर्ला में, वहाँ पे इस तरह के लोग शिफ्ट होते हैं, हार्बर से आने वाले कुर्ला सेंट्रल में जाते हैं, उसी तरह जहाँ एल्फिंगटन में जो हादसा हुआ है वहाँ से भी सेंट्रल से आने वाले लोग वेस्टर्न में जाते हैं, वेस्टर्न से आने वाले, और लगातार लोग कल भी कुछ लोगों ने ट्वीट किया, परसों भी ट्वीट किया, यहाँ तक के हमारे जो एमपी अरविंद सावंत उनके पास भी जो रेलवे के जो मिनिस्टर थे उन्होंने लेटर लिखा है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर करते कुछ नहीं। हमने भी इसके पहले बैंड्रा के बीच उठाया था, उसमें हमने जो उनको लेटर दिया उन्होंने हमारे पास लिखित में एक लेटर दिया है कि 2 फरवरी को हमारा काम चालू हो जाएगा, टेंडर हो चुका है,
आज सितंबर चल रहा है, 29 सितंबर चल रहा है, आज तक कोई काम चालू नहीं हुआ है और ये लोग जिस बस हादसे का इंतजार करते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह हादसा होने के बाद ये लोग बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे, मगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में क्या है, जो लोग गुजरी में वो खुद कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं इनके ऊपर सिग्नल केस दफा 302 के तहत धारावाहिक के तहत केस चलाना चाहिए, तब इनको मालूम पड़ेगा जिम्मेदारी क्या होगी। सर्टेनली इंक्वायरी पे इंक्वायरी आप कहना चाहेंगे, कोई फोर्स जो है एक्शन नहीं ली जाती और जब इसलिए एक्शन नहीं ली जाती इसे ह्यूमन वैल्यू और ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। मैडम जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी इस हादसे की भी, इस तरह के हादसे होते रहेंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बॉम्बे इतनी पूरे नेशनल सिनेरियो में इंसानों के जानों की कोई वैल्यू नहीं है। सर्टेनली अ क्वेश्चन ओवर देयर आर द एंग्री वॉइसेस आस्किंग इज देयर नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, आस्किंग फॉर जस्टिस, दे वांट अ काइंड ऑफ क्रिमिनल चार्ज दैट नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन द ऑफिशियल्स हु हैव नॉट अडियर्ड टू द वर्क दैट दे वर असाइंड टू। लेट्स हैव वर्क विद देम एंड गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड। आपसे ये बता तो सर से आप इस पूरी घटना को देखते हैं, एक ये ऐसी ऐसा ब्रिज है, ऐसे कई ब्रिज है मुंबई में और उसमें से ये जो है बहुत ज्यादा मोन है, क्योंकि हर पुल हर मुंबई का जो पास होता था वो किसी न किसी तरीके से इसका इशू इसका कंसर्न रेज करता था, उठाता था ये मुद्दा कि किस तरह से जब वो चल रहे हैं तब उनका उनकी जिंदगी खतरे में। हाँ जो है मुंबई लोकल जो है मुंबई की लाइफ नहीं कही जाती है, लेकिन जो हमारे पास चली के ब्रिजेस हैं और ये ब्रिज आप ट्रेन का देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिल्कुल ही ब्रिज बहुत छोटा सा ब्रिज है, उसमें जो लाखों की तादाद में थोड़ा बहुत मनुष्य आप बन गया, इसमें हम लाखों की तादाद में वहाँ पर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे इंसिडेंट हो गया और रेलवे ने आज तक किसी भी किया ही नहीं है। इसके बारे में पहले भी बहुत सी कपड़े मुंबई का नहीं किया था, लेकिन उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। इवन की जो वहाँ के हालदार हैं उन्होंने भी लेटर लिखा था, लेकिन उस टाइम के जो मंत्री थे रेलवे मिनिस्टर प्रभु साहब, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड ही नहीं है। इस तरह और जहाँ जो है बुलेट ट्रेन की आज बात करें, लोगों के पास मैडम चलने की यही नहीं, लोकल में रोज जो है जो 10 का ऑन एवरेज कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं और ये बुलेट ट्रेन चलाने की बात करें, पहले मुंबई कर को आप जो है लोकल ट्रेन की चलने की सहूलियत कर दे तो बाद में आप लोकल कर वो बुलेट ट्रेन चला, उससे हमारा क्या फायदा है। मुंबई कर एक लोकल नहीं मिल पा रही है और आप जो अहमदाबाद में जाके बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। सर आपने एक लेटर लिखा है पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्ट्री की, जो ऑफिशियल्स हैं उनपे जो है मर्डर चार्जेस लगा, बिल्कुल मर्डर चार्जेस लगना चाहिए। आप खुद महसूस कर सकते हैं, आप तो देखती रहे होंगी कि मिड डे में दिखाता था कि आज के लोग कितने इंजर्ड हुए कितने मरे, एवरेज में 10 से ज्यादा लोग मर रहे थे, उनकी जानों की अहमियत को छोड़ के अगर जैसे बोनस में इस तरह के हादसे होते हैं और मुंबई का अपनी जाने गंवाता है, तो ऐसे मामलों में या इस इनके जो जो इनके जिम्मेदार लोग हैं उनके पास ऊपर 302 का तहत ही मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि उनके जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात, दूसरी तरफ मुंबई कर्स ने हमेशा इस आवाज को उठाते रहे, ट्वीट करते रहे, हमारे पास मुंबई कर्स बहुत बिजी हैं मगर उसके लिए भी वो लगातार ट्वीट करते रहते रहे, जो रेलवे मिनिस्टर जिस दौर के रहे उनको बताते रहे कि ऐसे ऐसे दिक्कत है मुंबई में, मगर जो इस तरह से लापरवाही मिनिस्टर्स की तरफ से होती है और जो अधिकारियों की तरफ से, अधिकारियों के ग्राउंड का अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी से बोलता है सब बराबर है, उसके ऊपर का अधिकारी बोलता है उनको बताता है सब बराबर, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लोग बताते रहते हैं बराबर है मगर मुंबई कर की जान जाती रहती है। मैं बोलता हूं अगर इतना ही लोग को लगता है मुंबई कर की जान सस्ती है, 2-2, 5-5 लाख रुपया दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं, अपनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाते रहते हैं सालों साल, तो मैं कहता हूं कोई मिनिस्टर अपने एक बेटे की जान दे दे और उसके बदले पूरे मुंबई कर 2-5 करोड़ रुपया जमा करके देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब उनके किसी लोगों की जान जाएगी उनके ऊपर मुकदमे चलेंगे तब उनको किसी की जान और उनको परेशानी का एहसास होगा। ह्यूमन वैल्यू जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो शायद ये मिनिस्टर्स के लिए या शायद अगर कितने लीडर्स के लिए लगती नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं लग्जरियस लाइफ, बॉम्बे का या हिंदुस्तान का एक जो कॉमन मैन है वो दिन भर स्ट्रगल करता है अपनी जिंदगी के लिए, खासकर मैं देखता हूँ कि बॉम्बे में जो 55 लाख पैसेंजर डेली ट्रैवल करते हैं जो लोकल्स में, वो जानवरों से मतलब कई लोगों को मैं जानता हूँ जो सुबह टेंशन में रहते हैं कि ट्रेन से मुझे ऑफिस पहुँचना है, फिर शाम को ऑफिस से निकलते हैं और टेंशन में रहते हैं कि मुझे ट्रेन से घर जाना है। और आज जो हादसा हुआ है बॉम्बे इज अ सिटी ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा है और मैंने पहले भी कहा कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा सेफ्टी के हिसाब से कि बॉम्बे रेलवे जो है पूरे इंडिया में उसके 19 बोट्स बने हुए अलग अलग,
इसमें बॉम्बे बोर्ड भी शामिल है, लेकिन बॉम्बे बोर्ड जो है वो इसमें सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं और ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। तो इसके लिए बॉम्बे का जो बोर्ड है उसको सब बोर्ड्स में या सब अलग अलग डिविजन में डिवाइड करना चाहिए और इसकी पूरी स्टडी की जरूरत है। आज तक इस तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है कि फलाने रेलवे स्टेशन पर कितने लोग इस ब्रिज से जाते हैं। अभी जैसे आज जिस ब्रिज पर हादसा हुआ, इस ब्रिज के बारे में मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि 7 साल या 8 साल पहले जितने लोग इस ब्रिज को क्रॉस करते थे, आज वो 500 टाइम्स बढ़ गया है, क्योंकि लोअर परेल का पूरा इलाका जो है बिजनेस और रेजिडेंशियल हब बन गया है। रेलवे की जिम्मेदारी है वो चेक करें कि इस स्टेशन पर कितने लोग उतरते हैं, कितने लोग आते हैं, या लोगों की आने जाने की आवश्यकता क्या है और पीक आवर में कितना प्रॉब्लम हो सकता है। बॉम्बे में 17 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिसमें ब्रिज पर क्रॉसिंग करना, जिसमें कोला भी है, जहाँ पर इतना डिफिकल्ट होता है आम आदमी को, एक मेल को डिफिकल्ट होता है, तो औरतों और स्कूल जाने वाले बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी। तो इसलिए इस तरह के हादसों को अगर सरकार रोकना चाहती है तो आज के इस हादसे की अकाउंटेबिलिटी फेस करे, जो भी इसके पास उस पर जिम्मेदार है उस पर कानूनी कार्रवाई हो और आगे इस तरह के हादसा न हो, इसके लिए पूरे स्टडी की जाए। अगर रेलवे के पास स्टाफ नहीं है तो रेलवे मंत्रालय कोई एक्सपर्ट्स को बुलाए और इसको पूरे स्टडी करे। जी सर, आपके पास आएंगे, आपने कहा था कि और ऐसे कई ब्रिजेस हैं, उसमें से एक ब्रिज है बांद्रा वाला, जहाँ पे ये आपको बताया गया लिखित स्वरूप में कि इसकी जो रिवैम्पिंग है, इसको जो इम्प्रोवाइज करना है, जो रिकंस्ट्रक्शन या जो कुछ भी करना है, वो इसी महीने होगी या वो कब होगी और वो शायद होगी, ये 2000 उन्होंने जवाब में रेलवे मंत्रालय ने जवाब में लिख के भेजा है हमें लेटर कि ये 15 फरवरी को इसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है, 15 फरवरी को ये काम शुरू हो जाएगा। और अभी 29 सितंबर चल रहा है, अभी तक उन्होंने खीला नहीं रखा है, एक आदमी ने आज के वहाँ पे कभी सर्वे नहीं किया कि ब्रिज कैसे बनेगा और कैसे उसका अगला जो तरीका वो होगा कि कितने बड़ा बनेगा, कितने लोग गुजरने के लिए बनेगा, आज तक कोई तय नहीं है। मेरा सिर्फ सीधा सवाल है, इस तरह से हम लोग जैसे मुंबई का लेटर लिखते हैं या अपने सोशल मीडिया पे अपने गुस्से का इजहार करते हैं तो उसको इसी तरह टाल दिया जाता है, कोई हिसाब से लेटर दे दिया गया, मैं भी 3 महीने से बैठा हूँ, अभी हादसा हो गया, बहुत आपको ये लग रहा है कि क्या बांद्रा में भी हादसे के लिए ऑफिसर्स बिल्कुल जिम्मेदार हैं? ये उनका खुद का लेटर है, आप देख सकती हैं, आपके सामने लेटर है, हमने 15 फरवरी को उन्होंने बोला था काम चालू हो जाएगा, बिल्कुल काम चालू हुआ नहीं है। और कुरला में इससे भी बुरी हालत है, जहाँ पे 2 ब्रिज तो बना दिया है मगर उतरने के लिए बॉटल नेक की तरह एक पतला सा ब्रिज जो पुराना है उसी से उतरना है, तो वहां पर तो पुलिस खड़ा करना पड़ता है लोग गुजारने के लिए, जिस तरह ट्रैफिक है, मगर ब्रिज बनने को तैयार नहीं है। तो ये सबका जिम्मेदार जो प्रशासन है बिल्कुल वो है रेलवे मंत्रालय, मुंबई का पूरा पैसे चुकाता है, मुंबई का आज तक इतनी महंगाई बढ़ाई गई, 2 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट से 20 रुपया किया गया, मुंबई का खामोशी से अदा करता रहा, उसके टिकट के लिए उसने कभी आवाज नहीं उठाई वो लगातार, मगर अपनी जानों की कुर्बानी दे रहा है, अपने पैसे के साथ वो अपनी जान भी दे रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। और इतना बड़ा रेवेन्यू हम लोग मुंबई का जमा करके दे रहे हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसके बाद भी मुंबई कर के हितों का कोई ख्याल नहीं है। और जो जॉब पे जाने वाले औरतें इस ख्याल से डरी हुई होती हैं कि कब बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कब सुरक्षा होगी, क्या होगा, उसके लिए डरी हुई आज भी मुंबई कर की औरतें होती। सर्टेनली यू नो एंग्री वॉइसेस आउट देयर व्हिच पॉइंट आउट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वेल इट्स मुंबई दैट गिव्स द बिगेस्ट रेवेन्यू आउट देयर टू द रेलवेज, यू टॉक अबाउट द लोकल्स दैट आर लाइफलाइन फॉर 20 मिलियन मुंबई।